दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक पब्लिक सेक्टर की एक ऐसी कंपनी की जिसने पिछले एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को 140% के आसपास का रिटर्न दिया है। अगर मैं आईपीओ के शेयर के प्राइस की बात करूं तो वहां से लेकर तो आज के टाइम में ये कंपनी ऑलमोस्ट 2 to 3 times ऊपर ट्रेड कर रही है। आज से एक साल पहले ठीक इसका शेयर प्राइस 1300 rupees के आसपास हुआ करता था, आज ये 3200 rupees के आसपास ट्रेड करता है। और इस कंपनी की अगर मैं सर्विसेज की बात करता हूं तो इसकी सर्विसेज ऑलमोस्ट सारी इंडियंस ने जरूर यूज की होगी। अभी तक आप गेस कर चुके होंगे कि हम आज बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में। आज हम बात करेंगे इस कंपनी के पूरे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में और आपको वीडियो के एंड तक बताएंगे कि क्या आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले अगर IRCTC की बात करें तो इसको 1999 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था, यानी कि इसको रेलवे से अलग करके एक डिफरेंट आर्म बनाया गया था ताकि ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर टारगेट कर किया जा सके, यानी कि जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है रेलवेज उनको ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से यूजर्स तक लेके जाया जा सके। उसके बाद कंपनी ने कंसंट्रेट करना स्टार्ट किया डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म के ऊपर, जहां पर उन्होंने बजट होटल्स का डेवलपमेंट भी किया। इसके बाद कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी लॉन्च करती है जहां पे ऑनलाइन टिकट आप बुक कर सकते हैं थ्रू इस कंपनी की वेबसाइट के। इसके बाद कंपनी ने अपना एक और बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया और रेलवे के अंदर जो वाटर की डिमांड होती है उसको फुलफिल करने के लिए IRCTC ने रेल नीर को लॉन्च किया। दोस्तों IRCTC की बात करें तो ये इकलौती ऑथराइज्ड कंपनी है जो जिसके थ्रू आप रेलवे की टिकट्स बुक कर सकते हैं, और ये इकलौती ऑथराइज्ड कंपनी है जो अपने वाटर पैकेज वाटर को रेलवे प्लेटफॉर्म्स के अंदर और रेलवेज के अंदर बेच सकती है। अगर मैं 30 जून 2021 की बात करूं तो गवर्नमेंट के पास इस कंपनी के अंदर 67% से थोड़ा सा ज्यादा का होल्डिंग है। चलिए दोस्तों अभी तक आप कंपनी की हिस्ट्री के बारे में समझ गए होंगे, अब हम डिटेल में बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में और बात करेंगे कंपनी के कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के बारे में। चलिए मैं जल्दी से आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कि कंपनी के हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग बिजनेस को 4 sub-parts के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, जहां पे सबसे पहले नंबर पे आता है मोबाइल कैटरिंग बिजनेस, सेकंड नंबर पे आता है स्टैटिक कैटरिंग बिजनेस, थर्ड नंबर पे आता है अदर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस और फोर्थ नंबर पे आता है ई कैटरिंग बिजनेस। सबसे पहले अगर मैं मोबाइल कैटरिंग की बात करता हूं तो मोबाइल कैटरिंग यानी कि ट्रेन के अंदर ही ये कंपनी कैटरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो मोबाइल कैटरिंग के अंदर कंपनी की 550 से ज्यादा पेंट्री कार्स हैं जो कि मेनली दुरंतो, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के साथ साथ काम करती आई हैं। इसके बाद अगर मैं स्टैटिक कैटरिंग की बात करता हूं तो स्टैटिक कैटरिंग में मान लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी खाने की जगह है जो कि IRCTC मैनेज करती है और जहां से अपना बिजनेस रन करती है, जैसे कि आपने जन आहार के बारे में सुना होगा जो कि एक IRCTC का ब्रांड है। अदर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे कंपनी के कुछ एग्जीक्यूटिव लॉन्ज हैं जो कि कुछ शहर के अंदर ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा कंपनी ने रुकने के लिए कुछ और रूम्स और होटल्स भी बनाए हुए हैं जिसका यूज करके कंपनी अपने बिजनेस को रन करती है पिछले कुछ टाइम के अंदर। तो ये जो बिजनेस सेगमेंट है वो मेनली टारगेट करता है कि मान लीजिए कि अगर आपको एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट का ट्रेन पकड़ना है और बीच में आपको 6 या 12 घंटे का वेट करना पड़ेगा तो उसके लिए आप कैसे पैसेंजर्स को एक अच्छी सर्विस दे सकते हैं, जहां से IRCTC अपना बिजनेस रन करती आई है। इसके बाद मैं बात करता हूं ई कैटरिंग के बारे में। ई कैटरिंग एक फैसिलिटी है जो IRCTC प्रोवाइड करती है जहां पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप खाने का ऑर्डर कर सकते हैं। यहां पे जैसे कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं ये उस प्लेटफॉर्म का एक स्क्रीनशॉट लिया गया है और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप डोमिनोज, सबवे, हल्दीराम, फासोस, बिरयानी ब्लूज, A2B, सर्वावना भवन, निरुलाज एटसेट्रा, तो ऐसे यहाँ पे काफी सारे ब्रांड है जिनका आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं थ्रू ई कैटरिंग प्लेटफॉर्म। चलिए कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के बाद अब बात करते हैं ऑनलाइन टिकटिंग के बारे में। ऑनलाइन टिकटिंग जो बिजनेस सेगमेंट है वो IRCTC के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करता हूं तो यहां पे इनके टोटल रेवेन्यूज के अंदर 57% का कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन टिकट बुकिंग ने किया था। प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है IRCTC के लिए, क्योंकि रेलवे के अंदर जो भी टिकट का बुकिंग किया जाता है वहां पे 80% टिकट का बुकिंग IRCTC के थ्रू ही किया जाता है। और IRCTC को यूज करने के डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स हैं, जैसे कि आप एप्लीकेशन के थ्रू टिकट बुक कर सकते हैं, आप वेब के थ्रू टिकट बुक कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप एजेंट के पास जाके भी टिकट बुक करवाते हैं तो वो भी IRCTC की वेबसाइट के थ्रू ही टिकट को बुक करते हैं। अगर इसके ब्रेकअप की बात की जाए तो 21% जो टोटल टिकट बुक किया जाता है IRCTC के थ्रू वो वेबसाइट से किया जाता है, 46% जो टिकट बुक किया जाता है वो एप्लीकेशन के थ्रू किया जाता है, और जो रिमेनिंग 33% का टिकट बुकिंग है वो एजेंट्स के थ्रू किया जाता है जो कि IRCTC की एप्लीकेशन या वेब को यूज करते हैं। अगर हम
ऑनलाइन टिकट बुकिंग की बात करें तो यहाँ पे आईआरसीटीसी का जो यूजर बेस है वो 66 मिलियन के आसपास का है। ऑन एन एवरेज फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर यहाँ पे 1.6 लाख टिकट पर डे की बुकिंग की गई थी और ये नंबर पीक में 4.8 लाख तक भी चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि डेली लेवल पे कितनी ज्यादा टिकट बुक की जाती है आईआरसीटीसी के थ्रू। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि आईआरसीटीसी ने रिसेंट के टाइम में को ब्रांडेड कार्ड्स को भी लॉन्च किया है एसबीआई के साथ, यानी कि उन कार्ड्स के थ्रू अगर आप टिकट बुक करते हैं तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे कुछ नए इनिशिएटिव्स हैं जो कि आईआरसीटीसी ले रही है ताकि आने वाले टाइम में वो अपने बिजनेस को और अपने कस्टमर बेस को और ज्यादा एक्सपेंड कर सके। चलिए दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं रेल नीर के बारे में। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ टोटल रेवेन्यू की तो आईआरसीटीसी के टोटल रेवेन्यू के अंदर इसका शेयर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बट फिर भी ये 7% का कॉन्ट्रीब्यूशन करता आया है। बात करते हैं ट्रेवल एंड टूरिज्म के बारे में, जो कि एक नया सेगमेंट है जहां पे भी आईआरसीटीसी अपना काम करती आई है। जैसे कि मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहां से कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेवल दोनों में अपना बिजनेस रन करती आई है और यहां पे कंपनी 25 चार्टर्ड ट्रेन्स भी रन करती है, जैसे कि भारत दर्शन, बुद्धिस्ट सर्किट, डीलक्स टूरिस्ट, गोल्डन चैरियट, महाराजा एक्सप्रेस, इसके अलावा तेजस ट्रेन्स। तो ये सारी ट्रेन्स है जो स्पेसिफिकली आईआरसीटीसी मैनेज करती है और आईआरसीटीसी ही रन करती है ताकि यहाँ पे टूरिज्म को आने वाले टाइम में बढ़ावा दिया जा सके। दोस्तों नंबर्स में जाने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग इनसाइट्स देने का ट्राई करता हूं। अगर हम इस कंपनी की ओनरशिप की बात करें तो अभी भी गवर्नमेंट का ओनरशिप 67% से ऊपर है। यहाँ पे FIIs ने भी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आईआरसीटीसी के अंदर FIIs का स्टेक भी 8% से ऊपर का है और अगर मैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करूं उनका स्टेक भी इस कंपनी के अंदर 11% के आसपास का है, यानी कि बड़े प्लेयर्स ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस कंपनी के अंदर। चलिए दोस्तों अब जल्दी से बात करते हैं आईआरसीटीसी के फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की। आईआरसीटीसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 52,720 करोड़ के आसपास का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आईआरसीटीसी का 196 के आसपास का है, जो कि काफी ज्यादा माना जा सकता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 20.66% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जब भी हम किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, तो यहां पे ये नंबर 11.64% के आसपास का है। इसके बाद अगर मैं ए वन ईयर रिटर्न की बात करूं तो आईआरसीटीसी ने पिछले एक साल में इंडेक्स को बहुत अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म करके 140% के आसपास का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। दोस्तों अगर मैं जून के क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करता हूं तो कंपनी ने 246 करोड़ के आसपास का टोटल रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, यानी कि इससे पहले कंपनी के रेवेन्यू में काफी डिप भी आया था जब कोविड सिचुएशन पीक में था, लेकिन कोविड कम होने के बाद से कंपनी का बिजनेस लगातार एक्सपेंड हुआ है। और सबसे अच्छी बात यहां पे यह है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि जो मार्जिन कंपनी कमाती है वो काफी ज्यादा फैंटास्टिक है। यहां पे कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 46% के आसपास का है, जो कि काफी अच्छा नंबर माना जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आईआरसीटीसी के लिए कि यहाँ पे 5:1 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया गया था, यानी कि अगर किसी के पास एक स्टॉक है तो उसको 5 स्टॉक मिल जाएंगे ताकि इसका शेयर प्राइस 5 से डिवाइड हो जाएगा और ये स्मॉल जो प्लेयर्स होते हैं, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए भी एक्सेसिबल हो जाएगा ताकि वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। दोस्तों मैं अगर डेट की बात करूं तो कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है और कंपनी के पास काफी अच्छे कैश रिजर्व्स भी हैं, जो कि इन्होंने अपने बिजनेस से काफी टाइम से इकट्ठे किए हुए हैं। अगर आने वाले टाइम की बात करते हैं तो आने वाले टाइम में मोबाइल का पेनिट्रेशन और बढ़ने के चांसेस है और जिस तरीके से आईआरसीटीसी ने पिछले कुछ टाइम में अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है, आने वाले टाइम में अगर अपनी वेबसाइट्स में और अपनी ऐप के अंदर और ज्यादा चेंजेस करते हैं ताकि आम लोग भी इसको यूज कर पाए तो इसका बेस काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है और अगर रेलवेज के अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो ये कंपनी एक वेल प्लेस कंपनी है जो कि उससे बेनिफिट ले सकती है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जहां पे हम आईआरसीटीसी के बारे में बात करना चाहते थे और आपको डिटेल में बताना चाहते थे कि आईआरसीटीसी का क्या बिजनेस है, कैसे ऑपरेट करती है और आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है पूरी वीडियो देखने के बाद कि क्या आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। प्लीज अपने कमेंट के साथ अपने रीजंस को भी लिखें ताकि आपके कमेंट से हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिले। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। हम सारी वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आते हैं, हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी एक अच्छी रिसर्च करें, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.